लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सेठ जी, आपके यहाँ आने से यहाँ की रौनक बढ़ जाती है। भाई, हमें तो यहाँ का मौसम और तुम्हारे हाथ का खाना खींच के ले आता है। ये तो आपका बड़प्पन है सेठ जी, वरना मैं तो आपका एक मामूली सा नौकर हूँ। दिलेर भाई, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। बेटा पैदा हुआ है? देखा सेठ जी, आप लोगों का आना कितना शुभ साबित हुआ है। मेरे घर में मेरे कुल का चिराग पैदा हुआ है। मुबारक। सेठ जी, अगर आपकी आपकी इजाजत हो तो मैं जरा घर होके आऊं। हाँ हाँ, जरूर जाओ। और देखो, पूरी बिरादरी में हमारी तरफ से लड्डू बांटना और हमारा भी मुंह मीठा कराना मत भूलना। हाँ हाँ, जरूर चलता हूँ। पार्वती, मैं एक बेटे का बाप बन गया। अरे वाह। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इस गरीब के दिल की मुराद पूरी कर दी। लक्ष्मी, मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूं। दिलेर के बेटे की खबर सुनकर तुम्हें अपने बच्चे की कमी महसूस हो रही है ना? मैं भी कितनी बदनसीब हूं कि आपके खानदान को एक वारिस भी न दे सकी। ये तो सब भगवान की मर्जी है। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? लक्ष्मी, एक बात कहूं, क्यों ना हम दिलेर के बेटे को गोद ले लें? हाँ लक्ष्मी, ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने जिगर के टुकड़े को निकालकर और किसी के झोली में डाल दे? फिर भी पूछने में क्या हर्ज है? मालिक, लीजिए मुंह मीठा कीजिए मालिक। बरसों बाद आज मेरे मन की मुराद पूरी हुई है। हाँ मालिक, भगवान ने इस गरीब के घर में चांद का टुकड़ा ही नहीं, पूरे का पूरा चांद ही भेज दिया है। लीजिए मालिक, आप भी मुंह मीठा कीजिए। अच्छा मालिक, चलता हूं, सबका मुंह मीठा करवाना है, चलता हूं। आपने दिलेर से बच्चे के बारे में कुछ नहीं पूछा? उसकी खुशी देखकर हिम्मत नहीं हुई। अगर अपनी जरूरत अपनी जुबान पर ले आता तो उसकी खुशियों पर बिजली गिर पड़ती, और फिर किसी की खुशियां छीनने का हमें हक भी क्या है? भगवान पर भरोसा रखो, वो हमारी मुराद जरूर पूरी करेगा। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी ममता प्यासी नहीं रहेगी। ये क्या कह रहे हैं आप? बेटा पैदा होते ही आपको बोझ लगने लगा? किस बाप को बेटा बोझ लगता है भला? बाप तो जीता ही औलाद की खातिर है और मरता भी औलाद की खातिर ही है। तो फिर आपने बेटा सेठ जी को देने का सोचा ही कैसे?
मैंने 9 महीने तक अपना खून पिला पिला कर जन्म दिया है इसे। परसों के बाद भगवान ने मेरी झोली भर दी है और आप मेरी झोली खाली करके किसी और की झोली भर देना चाहते हैं। तुम्हारी झोली में रखा ही क्या है पार्वती, गरीबी, सिर्फ गरीबी है हमारे पास। हमारा बेटा बड़ा होकर क्या बन जाएगा, मेरी तरह नौकर, जबकि सेठ जी के यहां पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनेगा, राज करेगा, राज करोड़ों का इकलौता वारिस होगा। जरा अपना मोह छोड़कर अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोच पार्वती, भविष्य के बारे में। आपके मन में लालच आ गया है। हाँ लालच आ गया है, मेरे मन में लालच आ गया है, मगर अपने लिए नहीं, अपने बेटे के भविष्य के लिए। मुझे भी अपने बेटे से बिछड़ने का उतना ही दुख होगा पार्वती जितना कि तुझे। मैंने सेठ जी के चेहरे पर मायूसी देखी है पार्वती, ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ होते हुए भी उनके पास कुछ नहीं है। पार्वती मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अपना बेटा सेठ जी को गोद देकर उनके मन की मुराद पूरी कर दो। ईश्वर तुम्हारी यह कुर्बानी देखकर तुम्हारी गोद फिर से हरी भरी कर देगा। मालिक, दिलेर ये मालिक, आपकी झोली में अपनी श्रद्धा का फूल भेंट करने आया हूं। हम कुछ समझे नहीं। मैंने मालकिन की सारी बातें सुन ली थी मालिक। दिलेर, ये ठीक है कि हम तुम्हारा बच्चा गोद लेना चाहते थे, पर तुम्हारी खुशी देखकर यह एहसास हुआ कि हमसे ज्यादा बच्चे की जरूरत तुमको है। बच्चे की जरूरत किस मां बाप को नहीं होती मालिक। बच्चे का बाप ईश्वर ने चाहा तो फिर बन जाऊंगा, मगर आपके काम आ सकूं ऐसा सौभाग्य शायद फिर मिले ना मिले। मेरी इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करके मुझ गरीब पर एहसान कर दीजिए मालिक। दिलेर, अरे एहसान तो तुम हम पर कर रहे हो, जो अपने जिगर के टुकड़े को हमको सौंप रहे हो। हम तुमसे वादा करते हैं कि इसे हर मिनट हर पल खुश रखने की कोशिश करेंगे। अरे शैतान, अति पेशाब कर दिया। चलिए मालकिन। चुप हो जाए। पार्वती, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, मगर तुमने एक औरत के कलेजे को ठंडक पहुंचाई है। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द तुम्हारे घर फिर से बेटा पैदा होगा। हाँ पार्वती, त्याग कभी जाया नहीं जाता। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हारे बेटे को हर हाल में खुश रखूंगी। अगर आपकी इजाजत हो मालकिन, तो मैं बच्चे को दूध पिला दूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लो। मैंने पार्वती की आंखों में दर्द देखा है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है उसे उसका बच्चा छीनने को। हम बच्चे को साथ नहीं ले जाएंगे। ऐसा ऐसा मत कहिए मालकिन, हम लोगों के दिल में कुछ नहीं है। आखिर माँ है ना, हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। हमारा बेटा तो
हमारा बेटा तो आपके यहाँ राज करेगा, राज। ये लीजिए मालिक। राजा बेटा। अरे विकी जल्दी दूध पी लो। नहीं मैं नहीं पीऊंगा। चलो जल्दी पी लो। नहीं मुझे नहीं पीना। नहीं करते विकी, प्लीज दूध पी लो, तुम पी लो, चलो जल्दी जल्दी पी लो। नहीं पीना। अरे मालकी मालकी क्या 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 क्या। सेठ जी मुबारक हो। क्यों? आपकी धर्मपत्नी मां बनने वाली है। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ सेठ जी, पर सेठ जी कई सालों के बाद ये मां बन रही हैं, इसलिए इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। इट्स ऑल राइट। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तुमने हमारी सुन ली। आइए मालिक आइए, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। रास्ते में दुर्गा माता के मंदिर में रुक गए थे। हाँ जब से आपका फोन आया है मालिक, मैं यहाँ दरवाजे पे बैठे बैठे आपकी राह देख रहा हूँ। आप लोग चलिए अंदर, मैं सामान लेता हूँ। पार्वती कैसी हो? पार्वती अच्छी हूँ। तुम्हारा मुन्ना बहुत अच्छा है, पूरे 3 साल का हो गया है। आइए मालिक आइए। अरे अरे लक्ष्मी बैठी रहो, मैं जो हूँ। हेलो। नमस्ते सर, मैं आपका सेक्रेटरी हर्षवर्धन बोल रहा हूँ। आपका जल्द से जल्द बॉम्बे पहुँचना बहुत जरूरी है। देखो तुम तो जानते हो इस हालत में मैं लक्ष्मी को छोड़कर नहीं आ सकता हूँ। लेकिन सर एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है जिसके लिए आपका आना बहुत जरूरी है। कुछ भी हो मैं नहीं आ सकता हूँ। बॉम्बे से कॉल था, कोई जरूरी काम ही होगा, आपको चले जाना चाहिए। लक्ष्मी मैं तुम्हें इस हालत में कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मेरी देखरेख के लिए पार्वती जो है, आप अपना काम खत्म करके जल्दी लौट आइए। पर मैं नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, आप जरूर जाइए। ओके। इतने से काम के लिए हमें यहाँ बुला लिया? सर वो सेठ धर्मपाल जी के साथ आपकी मीटिंग जरूरी थी, इतने बड़े सौदे का फैसला आपके बिना कैसे हो सकता था सर? बिजनेस तो हमारा जिंदगी भर चलता रहेगा, पर इस वक्त तुम्हारी मालकिन के पास हमारा रहना बहुत जरूरी है। शिमला फोन लगाकर बात करो। ओके सर। हेलो पार्वती, मैम सबको बुलाओ। हाँ मालिक अभी बुलाती हूँ। मालकिन साहब का बॉम्बे से फोन आया है, उनका फोन है। मालकिन 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 चलो अंदर ले चलो। क्या हुआ? मालकिन फिसल के गिर गई है। ओ माय गॉड, तुम जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, मैं फौरन निकल कर आता हूँ। अच्छा मालिक। पार्वती 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 पार्वती। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब घर पे नहीं है, पड़ोस के गांव गए हैं, आते ही यहाँ आ जाएंगे। तो फिर किसी और डॉक्टर को बुला, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, जल्दी जाओ। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा मालकिन, को डॉक्टर को बुलाने गए हैं, आते ही होंगे। मालकिन मालकिन धीरज रखिए, मालकिन धीरज रखिए, मालकिन मालकिन। क्या हुआ? आगे बर्फ गिरी हुई है, रास्ता बंद है, इसके आगे आप नहीं जा सकते। मेरा जाना बहुत जरूरी है। बर्फ हटाई जा रही है, हटाने के बाद ही आप जा सकेंगे। मालकिन
बच्चे को जन्म देकर इस दुनिया से चल बसी। पार्वती, अगर हम सेठ जी के बच्चे को मार दें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या सेठ जी के बच्चे को मार दें? ये आप क्या कह रहे हैं? जरा सोचो पार्वती, सेठ जी का अपना बेटा होगा तो तुम्हारे बेटे को कौन पूछेगा? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। ये सब बातें छोड़ो पार्वती, जरा अपने बेटे के बारे में सोचो। दुनिया में किसी बाप को अपने बेटे से पराया बेटा नहीं अच्छा लगता। मैं ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मैं मार देता हूं उसे। पार्वती, मेरी बात सुनो पार्वती। पार्वती, दरवाजा खोलो पार्वती। मेरी बात समझने की कोशिश करो पार्वती। दरवाजा खोलो पार्वती। पार्वती, रुको 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 रुको। मैं भी कितना बदनसीब हूं, अपनी पत्नी की चिता को अग्नि भी न दे सका। मुझे माफ कर दो मालिक। तो दिन तक मैंने आपका इंतजार किया, फोन भी करने की कोशिश की, मगर फोन की लाइन्स खराब थी। मैं क्या करता। सुनिए भाई साहब। क्या? सेठ राय बहादुर कहाँ रहते हैं? तो पता ठीक है ना आपके पास? नहीं। तो फिर कैसे ढूंढ पाएंगे आप उनको? हे भगवान, इतने बड़े शहर में उन्हें कहाँ ढूंढूं? चल हटा जाने दे, अपना अपना मजा क्यों खराब कर रहे यार। सुबह से इतने से बर्तन लेके बैठी है, ये बर्तन कौन साफ करेगा? तेरी माँ कल यही कही थी। माँ, माँ तुम क्यों रो रही हो? माँ भगवान, एक बार मेरी पार्वती को मुझसे मिला दे ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं, अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर सकूं। बिछड़ों को मिला दे भगवान, मिला दे। पता नहीं वो कहां होगी, किस हाल में होगी। हे प्रभु, 20 साल हो गए सेठ जी को तलाश करते हुए।
एक बार उनसे मिला दे ताकि उनका बेटा उन्हें सौंप कर अपने गांव वापस चली जाऊं। पिछड़ों को मिला दे प्रभु, पिछड़ों को मिला दे। सर जी, आज की हेडलाइन न्यूज पढ़ी आपने? क्यों शोर मचा रहे हो, कोई खास बात? अरे गजब हो गया है सर जी, हिंदुस्तान की गली गली में बम फट गए हैं, लोगों की कमर टूट गई है सर। क्या बकवास कर रहे हो सर? शेयर्स के भाव गिरकर रुपए के आठ आने हो गए सर, लोग बेमौत मर रहे हैं। तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे। लिखी उठ गया? कब के उठ गए सर, वो तो पूजा पाठ में लगे हुए हैं। सर ब्रेकफास्ट तैयार है, विकी बाबा को बोलो। अच्छा सर। सर वो विकी बाबू ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे, आजकल वो डाइट पे है, लिक्विड डाइट। हाय डैड। अरे आज बहुत जल्दी जा रहे हो, क्या बात है? डैड वो स्पेशल क्लास है। आजकल जनाब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। कीप इट अप बेटे, कीप इट अप। चल बे मोटे। जमाने की तब्दीली देखिए जनाब, आपके पिताश्री उनके जमाने में उनके पिताजी को पिताश्री कहते थे, और आप एक हैं जो अपने पिताश्री को डैड कहते हैं। डैड जीते जी ही मार डाला। ए, बहुत बकवास करने लगा। क्या करूं हुजूर, बकवास नहीं कर रहा हूं, ये तो आत्मा की आवाज जबान पर आ जाती है। मोटे। चलता हूं स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास? ये संडे की क्लास भी बड़ी बोर होती है यार, नहीं तो सिनेमा चलते, रेस्टोरेंट चलते। नो नहीं। तुम लोगों को अपनी पढ़ाई का बिल्कुल शौक नहीं, जब देखो होटल और सिनेमा, ये और वो। अरे मीना कहां चली गई? चलो मुझे चलो। तुम नहीं जानती ये। जाने दो अमर,
आपस में झगड़ा ठीक नहीं, छोड़ो। देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। विकी बेटे सुनो। यस डैड। हे भगवान, मेरे बेटे को इसी तरह से खुश रखना। देख बेटा, मैं खाना और फल रख रही हूँ, रास्ते में खा लेना। पहली बार शिमला जा रहे हो ना, अपना ख्याल रखना, किसी से झगड़ा मत करना। और ओफो माँ, सुबह से यही कहती जा रही हो, अब मैं जो कहता हूँ वो सुनो। ठीक से खाना, ठीक से रहना, ठीक से सोना, मेरी ज्यादा चिंता मत करना, वरना वरना क्या? वरना मैं आधे रास्ते से वापस आ जाऊंगा। चल हट। मैंने तो उसे जाने के लिए मना भी किया था, पर उसे तो स्कीइंग करनी ठीक से आती भी नहीं। अब क्या होगा? तुम लोगों ने उसे जाने क्यों दिया? अब मैं क्या जवाब दूंगा एसपी साहब को? हमने बहुत कोशिश की उसे रोकने की, लेकिन वो मानी नहीं। एक्सक्यूज मी सर, डोंट वरी सर, मैं प्रिया को ढूंढ निकालूंगा। थैंक यू वेरी मच। सेक्रेटरी। कौन? सेक्रेटरी। यस सर, एट योर सर्विस सर। फॉलो मी। यस, फॉलो लगेज। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हम हैं बंबई के रईस जादे दिमाग चंद, और ये हैं हमारे सेक्रेटरी, सॉरी ये हमारे सेठ हैं और हम उनके सेक्रेटरी जी। हमको एक स्वीट चाहिए, स्वीट 16 जी। मिलेगा मिलेगा। देखिए, बॉम्बे से एक कॉलेज का ग्रुप आया है, वो यहीं ठहरा जी। उसमें एक प्रिया नाम की लड़की है, वो कौन सा रूम है जी? वो रूम नंबर 86 में है। 86? लेकिन अभी वो गार्डन में बैठी है। सेक्रेटरी, एट योर सर्विस सर। फॉलो मी। फॉलोइंग। हमारा सामान आए तो हमारे रूम में रखवा दीजिएगा। ओके सर। वैसे हमारे रूम का नंबर क्या है? हाय प्रिया। अरे विकी, तुम यहाँ कैसे? तुम तो बगैर बताए चली आई, तो मैं वहाँ कैसे रुक सकता था? तुम्हारे डैडी ने तुम्हारा ध्यान रखने के लिए खास मुझे यहाँ भेजा है। ओह रियली? ये साला यहाँ कैसे आ गया? मुझे घटिया लोगों के मुंह लगने की आदत नहीं है। प्रिया, आज रात को हम लोग डिनर साथ में करेंगे। मगर आज रात को तो एंटरटेनमेंट फंक्शन है, नाच गाना होगा। That's great! सर, आप अमर को देखकर खाम खा परेशान हो रहे हैं। रात का सारा बंदोबस्त हो गया है, मैंने वेटर को 100 रुपए दे दिए, वो अमर को दूध में जमाल घोटा मिलाकर पिला देगा। ये जमाल घोटा क्या होता है इडियट? जमाल घोटा पीते ही अमर डांस करने लगेगा। क्या बकता है? मैं बक नहीं रहा हूँ सर, सही कह रहा हूँ, अमर डांस करने लगेगा, बाथरूम से बेडरूम तक और बेडरूम से बाथरूम तक। वो बाथरूम में डांस करेगा और आप होंगे प्रिया की बाहों में, और मैं एट योर सर्विस। अच्छा। प्रिया हर वक्त मजाक करती रहती हो, जानती हो? क्या जानू, अगर वो तुम्हें दूध पिला देता तो तुम्हारा भी वही हाल होता जो उसका होने वाला है। ये तो अच्छा हुआ जो मैंने सब कुछ सुन लिया। तुम्हारे खातिर मैं वेटर को 200 रुपए देकर आई हूँ। अरे आ गया बंजा मुर्गा भैया। अबे ओ फॉर्मूला किंग, साले फॉर्मूले की औलाद।
उल्लू के पटे कैसा इतना फॉर्मूला? तूने जमाल घोटा दिया अमर को और दस लगे मेरे को। मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी जन्म कुंडली उल्टी है। जमाल घोटा दिया उसे और रिएक्शन हो गया आपको। अबे कुछ कर, मेरे को डांस पर जाना है, कुछ कर। डांस तो आप कर ही रहे हैं ना सर, बाथरूम से बेडरूम तक और बेडरूम से बाथरूम तक। साले तू। नहीं 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 नहीं, फाइव स्टार होटल का कमरा है, कारपेट बिगाड़ के दुगना नाम देना पड़ेगा। बुजुर्गों ने सही कहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप डांस करो इधर और वो डांस करेगा उधर। तेरे बिन जीना, बिन तेरे चैन नहीं ना। तू अंगूठी में
सीने से लगा ले। फॉर्मूले पुराने हो गए, फेल हो गए तेरे सब फॉर्मूले। एक मौका और दीजिए सर, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 54, कभी नहीं फेल हो सकता है सर, मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, आओ। ये मेरी कुर्सी है, चलो। मिस्टर, दिस इज आवर टेबल, बैठो। सुना नहीं तुमने? सुन तो लिया भैया, वो क्या है कि अब बैठ गए तो बैठ ही गए। मैं कहता हूं उठ जाओ वरना। अच्छा, अब तो नहीं उठते, हाँ अगर तुम में हिम्मत है तो उठा लो। मार साले को। ये कुर्सी किसकी है? आपकी। किसने भेजा है तुझे? विक्की साहब ने। ये जिंदगी का पहला और आखिरी थप्पड़ था तुम्हारा। अगर समझदार आदमी हो तो एक ही थप्पड़ काफी है उम्र भर के लिए। मैं पूछती हूँ, क्या हक था तुम्हें गुंडों को भिजवाने का? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मुझसे हक पूछती हो? तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली है और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी होने वाली वाइफ किसी और के साथ फ्लर्ट करे, एंजॉय करे।
जान से मार दूंगा शर्म सा देखो। तुम्हें ये गलतफहमी कैसे हो गई कि मैं तुमसे शादी करूंगी? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। I hate you, understand? बहुत मार लिया सर, बहुत मार लिया, और कितना मारोगे? आखिर मैं भी इंसान हूँ आपकी तरह जानवर, मेरा मतलब आपकी तरह मैं भी इंसान हूँ। अभी तो कुछ नहीं हुआ बेटे, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा कि जिंदगी भर उठने के लायक नहीं रहेगा। अरे क्या बात कर रहे हो सर, सारा खेल उसी का तो है, अगर मैं नहीं उठा तो मेरे फॉर्मूला का क्या होगा? फॉर्मूला? ए, ए, किधर गया? कहां गया ये? ए! सर, फॉर्मूला नंबर 007। अरे देखिए ना सर, तार टेलीग्राम, पिताश्री का देहांत हो गया क्या है। क्या बकवास कर रहा है? आपके पिताश्री का नहीं, उस लुच्चे का, उस लफंगे के पिताश्री का देहांत हो गया है। लिखा है Father expired, come soon to moon, meet father, he's on moon and you are on... अबे मोटे, हनीमून बोलते हुए शर्म आ रही है? आप तो बचपन से बोलते आ रहे हनीमून हनीमून हनीमून, आप हनीमून बोलते रहिए, मैं उसे बंबई भेजता हूँ। अजीब आदमी हो, तार की खबर सुनकर जरा भी अफसोस नहीं? अरे अफसोस इसलिए नहीं क्योंकि ये खबर झूठी है। जब मैंने बचपन से अपने बाप को नहीं देखा तो ये खबर कहां से आ गई? मुझे लगता है ये शरारत उस लल्लू विक्की की है, उसने सोचा होगा कि मैं ये खबर पढ़कर वापस बंबई चला जाऊंगा। अच्छा तो ये बात है, अभी देखना, उसका ही फॉर्मूला उसी पर यूज करती हूँ। लव टू लव यू बेबी, लव टू लव। क्या है? किसी ने लेटर दिया आपके लिए। लव टू लव यू बेबे, ठंडी लग रही है बेबे। क्या है सर? क्या है सर? गुड न्यूज या बैड न्यूज सर? गुड न्यूज, बैड न्यूज, बैड न्यूज। वेरी गुड न्यूज, लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स सेलिब्रेट, या। सेक्रेटरी, सर भी सर, प्रिया ने मुझे यहीं आने के लिए कहा था। कैसे पता सर? चिट्ठी तो आपने पढ़ी थी ना, पापा पढ़ी थी ना। बट 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 शट अप एंड फॉलो मी। वेट फॉर मी सर। प्रिया, 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 क्या कर रहे हो? एको सर, एको। प्रिया देखो, सेक्रेटरी जैसे ही प्रिया दिखाई दे तुम बर्फ में खड्डा खोद के छुप जाना, मर जाना। प्रिया दिखाई देगी तब ना। प्रिया, 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 प्रिया। सेक्रेटरी प्रिया ने यही मिलने को कहा था ना? फॉलो मी। कितना फॉलो करवाएगा? प्रिया, प्रिया, आ, 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 आ,
लगे। बिन तेरे यारा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं।
तुमने विकी के साथ ऐसा मजाक करके अच्छा नहीं किया। बड़ा तरस आ रहा है उसपे, और जो उसने तुम्हारे साथ किया, दूध में कुछ मिलाकर भेजा, गुंडों से पिटवाने की कोशिश की और झूठा तार भिजवाया, ये सब उसने ठीक किया? नहीं, लेकिन क्या हाल हुआ होगा बेचारे का? उस बेचारे के लिए एक बेचारी भेज दी है, उसे रोमांस कर रहा होगा। अरे विकी, ये क्या? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मुझे वहाँ बर्फ में बुलाकर तुम यहाँ? मैंने बुलवाया? ये तुम क्या कह रहे हो विकी? तुमने खत भेजकर मुझे वहाँ बर्फ पे आने के लिए नहीं कहा था? नहीं तो, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। You are mistaken. Secretary. At your service, sir. वो खत प्रिया ने तुम्हें दिया था? अपने हाथों से मुझे वर्सोवा चलोगे? क्यों नहीं चलेंगे साहब, हमारा काम ही है चलना। वर्सोवा के आप जहां बोलेंगे वहां चलेंगे। बैठिए साहब। पापा, पापा कहाँ हैं? साहब लोन में बैठे हैं। ये लो। पापा। अरे मेरी बेटी। अरे प्रिया बेटे, हाउ आर यू? फाइन। कैसा रहा तुम्हारा शिमला का ट्रिप? बहुत अच्छा रहा, बस आपकी कमी थी। मगर पापा, आपके दोस्त के लाडले बेटे विकी ने बहुत दुखी किया, बड़ा बोरिंग कैरेक्टर है वो। बेटी, ये उसकी गलती नहीं, ये पैसे वालों के बेटे होते ही ऐसे। तुम्हारी सोबत में रहेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बेटी तुम ऐसे करो, तुम थकी हुई हो, जाओ मुंह धोकर आओ, हम इकट्ठे नाश्ता करेंगे। मैं अभी आई। हाँ भाई, कितना हुआ? साहब 90 रुपए 20 पैसा। अभी अंदर से भिजवा। हाँ कोई बात नहीं। माँ। अरे बेटा, जीते रहो बेटा, कैसा रहा तेरा सफर? माँ सफर तो बहुत अच्छा था, बस एक ही चीज की कमी थी, तू साथ नहीं थी। माँ तेरी याद के सामने सारा ट्रिप फीका लग रहा था। बस बस, अब बहुत हो गया, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है माँ। चलो भाई साहब, जल्दी चलो। अरे भाई साहब, वो पैसेंजर पैसे लेने के लिए गया। ओहो, मेरी गाड़ी का समय निकल रहा है। ले बेटा चाय पी ली। अरे बापरे, क्या हुआ? मैं तो भूल ही गया, बाहर टैक्सी वाला खड़ा है। माँ 100 रुपए देना उसको देने। तू चाय पी ले, मैं देकर आती। अच्छा माँ। भाई साहब जल्दी कीजिए प्लीज, मेरी गाड़ी निकल जाएगी प्लीज। अच्छा भाई साहब आप कहते हैं तो ठीक है, चलता हूँ। अरे रुको, बड़ा अजीब आदमी है, पैसे लिए बगैर ही चला गया। सुना तूने? कहता है कि एक दिन दो शेर मारे इसने। अरे आगे तो सुनो, वो भी एक गोली से। अंकल क्या फेंकते हैं? फेंकता हूँ। अरे बेटी तूने अच्छा पहचाना इसे, मुझे तो इसे पहचानने में सारी जिंदगी गुजर गई। कहते हैं ना, बेवकूफ के यहाँ अक्सर अकलमंद औलाद पैदा हो जाती है। देख 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 देख, तू मेरा मुंह मत खुलवा वरना वो कॉलेज वाली बात। अरे अंकल, कहाँ कॉलेज की बात लेकर बैठ गए, रहने दीजिए, खाना एंजॉय कीजिए। अरे वाह, अपने डैडी की बात आ गई तो रहने दो। तुम लोग क्यों झगड़ते हो भाई? अगर हम दोनों ना झगड़ें तो रोटी हजम नहीं होती। अंकल फिर फेंक रहे हैं, खाना खाया किधर जो हजम होगा। पॉइंट पॉइंट है इस बात में, भाई तुम्हारी बेटी बड़ी इंटेलिजेंट है यार। इसीलिए तो इसे वकालत पढ़ा रहा हूँ। खैर हमारी छोड़, ये बता तूने विकी के भविष्य के बारे में क्या सोचा है? सोचना क्या यार, इतना बड़ा कारोबार है, सात पुश्तें खाएंगी तब भी खत्म नहीं होगा। बस एक अच्छी सी लड़की देखकर इसकी शादी कर दूं। अमर। हाँ माँ।
अरे बेटा क्या बात है माँ? ये देख तेरी चिट्ठी आई है। अरे चिट्ठी नहीं माँ, मैंने पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई किया था ना, उसी का जवाब आया है। मगर तुझे तो आगे पढ़ना है, क्या जवाब दूंगी तेरे पिताजी को? पिताजी? किस पिता की बात कर रही हो माँ? उस पिता की जिसने हालात के थपेड़े खाने के लिए हमें जीवन के बीच मझधार में छोड़ दिया। उसने भूल से यह भी नहीं सोचा कि उसका मासूम बच्चा और उसकी बेसहारा पत्नी किस हालत में होंगे। दुनिया में ऐसा कौन सा बाप होगा माँ? मुझे तो बाप के नाम से नफरत है। खबरदार, जो अपने पिता के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो तू क्या जाने वो क्या है? मुझसे पूछ, वो क्या है? वो एक देवता है, देवता। मैंने उस देवता को तो नहीं देखा माँ, मगर इस देवी को जरूर देखा है। तू मेरे लिए देवी है, देवी। और मैं इस देवी समान माँ को मेहनत मजदूरी करते हुए नहीं देख सकता। बेटा जीते रहो, बेटा जीते रहो। ओफो प्रिया, बात समझने की कोशिश तो करो। क्या समझूं? अच्छी भली पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे बाबा, मैं तुम्हारी तरह किसी बड़े बाप की औलाद नहीं, मेरी मजबूरी तो समझो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी माँ काम करे और मैं पढ़ाई करूँ। बहुत कर्ज है मुझ पर मेरी माँ का। मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अरे बस 6 महीने की तो बात है, मैं यूँ पुलिस ट्रेनिंग खत्म करके आया, तुम समझना कि मैं गया ही नहीं। कैसे समझूं? जा तो रहे हो ना? हाँ जा तो रहा हूँ और जाना भी पड़ेगा, लेकिन अगर तुम जरा मुस्कुरा दोगी तो जाना अच्छा लगेगा ना। चलो मुस्कुराओ, मुस्कुराओ ना, मुस्कुराओ ये। Thank you.
रेशन पेन मिलेगा। सेक्रेटरी फॉलो मी। क्या काउंटर लेकर आ। हाय डार्लिंग। ला काउंटर दे। उन्होंने उधार देने से मना कर दिया है। अबे जाके बोल सेठ राय बहादुर के बेटे विक्की ने काउंटर मांगे। जा। आपका नाम लूंगा तो धक्के मार कर बाहर निकाल देंगे वो। साले जब देखो बकवास करता रहता है। फॉलो मी। क्या छोटे सेठ मुझे काउंटर देने से मना कर दिया? विक्की बाबू आपकी लिमिट खत्म हो चुकी है। सेठ राय बहादुर के बेटे की कोई लिमिट विमिट नहीं होती। ए, काउंटर दे। ला ला। यहाँ अच्छे अच्छे राय बहादुर आए और गए। जाइए आप। ए, साले राय बहादुर के पास इतना पैसा है ऐसे छह क्लब खरीद लूंगा एक चेक से। समझा? अच्छा तू जानता नहीं मैं किसका बेटा हूँ। दरवाजा दिखा इनको। ए, हाथ नहीं लगाने का। ए, क्लब खरीद लो साले राय बहादुर का। छोटे दे दो इन्हें ये जो कुछ मांग रहे हैं। क्या? अरे भैया लेकिन 2 लाख रुपए ऑलरेडी दे चुका हूँ और मांग रहा है। हाँ हाँ और 2 लाख दे दो। लेकिन हम जो कह रहे हैं दे दो। ठीक है जाइए आप टेबल पे मिल जाएगा। जल्दी विस्की भी भिजवा देना। ओके ओके यू विल गेट एवरीथिंग। ये क्या कर रहे हैं बड़े भैया? ये पैसा वापस नहीं आना, डूब जाना है। डूब जाने दो इस पैसे को। इस पैसे के साथ साथ राय बहादुर लक्ष्मी नारायण का बेटा भी डूब रहा है और जितना ये डूबेगा उतनी ही मेरे मन को शांति मिलेगी। ये टाइगर साला अच्छा आदमी है, है? अच्छा आदमी है। अरे यार लाइफ इज टू बी एंजॉयड। सलाम साहब। सलाम। शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, पैसा वापस संभाल के जब वो पैसे वापस मांग। हेलो हेनरी। मांगेगा तब पता चलेगा। गाड़ी किधर है? ये गाड़ी अपनी है। इडियट तुमको ये भी नहीं मालूम हमारा गाड़ी कौन सा है? जाओ गाड़ी से पूछो हमारा गाड़ी कौन सा है। जाओ हमारा गाड़ी किधर? गाड़ी किधर? अरे यार बेटे माफ करना, बड़े घर के लड़के लगते हो, ये शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, तुम्हारे पिता को मालूम पड़ेगा तो क्या सोचेंगे? You bloody get lost! Hey, आज के बाद तुम्हें इस हालत में देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साला मुझसे जवान लड़ाता, मुझसे जवान लड़ाता ब्लडी रोड साइड ड्राइवर साला, तेरा लगता क्या है भाषण देता है? कौन था ये बाबा? बड़ा बदतमीज आदमी है, कहो तो ढोपा डालते उसको। अरे नहीं भैया नहीं, कसूर उसका नहीं है, कसूर तो मेरी अपनी करनी का है। शर्म नहीं आती, शराब पीते हो? वो धर्मपाल के लड़के की शादी थी, वो मैंने बहुत मना किया डैड, वो जबरदस्ती। सॉरी डैड, आई एम सॉरी, मैंने वो जबरदस्ती पिलाया डैड, आई एम सॉरी डैड। सर मैं विक्की बाबू को बार बार समझाता रहा कि इतनी रात गए घर से बाहर रहना अच्छा नहीं है, लेकिन वो मेरी सुनते ही नहीं है। तुम मुझसे समझाते नहीं हो बल्कि बिगाड़ रहे हो, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। ऐसा जुल्म मत कीजिए सर, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं उन्हें नहीं बिगाड़ता हूँ सर, उन्हें बिगाड़ता है वो टाइगर। टाइगर? हाँ सर, टाइगर शमशेर सिंह। शमशेर सिंह? हाँ सर, टाइगर शमशेर सिंह, जुए और शराब के कसीनो का मालिक। विक्की बाबू भी उन्हीं के अड्डे में दिन रात पड़े रहते हैं और वो भी उन्हें लाखों रुपए उधार दे देता है हारने के लिए। क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ सर। टाइगर शमशेर सिंह, आज मालूम हुआ औलाद का दर्द क्या होता है राय बहादुर। उस दिन मैं भी अपनी औलाद के खातिर गिड़गिड़ाया था तुम्हारे सामने। जानते हो तुम्हारी गवाही ने हमेशा के लिए मुझसे मेरी औलाद छीन ली। तुम तो जानते हो टाइगर, तुम्हारे बेटे ने उस मासूम लड़की का खून मेरी आंखों के सामने किया था। मैं
झूठ कैसे बोल सकता था? हाँ हाँ, तुम झूठ कैसे बोल सकते थे? तुम तो सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद जो हुए। देखो टाइगर, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन भगवान के लिए मेरे बच्चे को मत बिगाड़ो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। अभी तो शुरुआत है राय बहादुर। जितना अपनी औलाद के लिए तुम तड़पोगे उतना ही मुझे सुख मिलेगा, समझे? टाइगर सुनो, टाइगर क्या बात है माई, आज बड़ी खुश नजर आ रही है। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, दुआ करो बाबा कि वो दुनिया में अच्छा इंसान बने, इतना शक्तिमान बने कि बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी उसका रास्ता न रोक सके। दुआ करो बाबा, दुआ करो। दुआ करो बाबा, मेरे बेटे के लिए दुआ करो। जिस बेटे के सर पर ऐसी माँ का हाथ हो उसे और किसी दुआ की जरूरत नहीं है माँ जी। जिस बेटे के लिए दुआ मांग रही हो उसे प्रसाद नहीं दोगी माँ? जी तेरा। कैसा लग रहा हूँ माँ? सारी दुनिया से निराला। अमर, जिस थाने में तुम्हारी पोस्टिंग हुई है उसके बारे में तो तुम अच्छी तरह जान चुके होगे। यस सर। एक टाइगर नाम का बदमाश है जो हर दो नंबर के कारोबार करता रहता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे। आप फिक्र मत कीजिए सर, आपका आशीर्वाद रहा तो मैं हर दो नंबर के आदमी को एक नंबर का बना दूंगा। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं थाने जा रहा हूं। जी तो मुझे थाने में आके मिलो। अच्छा जी, समझे। अमर, अमर साहब, बाहर एक औरत आई है, आपसे मिलना चाहती है, बहुत परेशान है। भेज दो। अच्छा जी। हाय अल्लाह, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं जनाब करामत अली साहब। मैं करामत अली नहीं हूं। तो शराफत अली होंगे। वो भी नहीं हूं। तो फिर नफरत अली होंगे। ओफो, काम की बात कीजिए बेगम साहिबा। क्या कहा आपने? बेगम साहिबा। सुभान अल्लाह, कितने प्यार से कहा आपने बेगम साहिबा। एक आप है जो इतने प्यार से बात कर रहे हैं और एक वो है जो मुझसे दामन छुड़ाकर भाग गए। यानी कि आपके वो आपको छोड़कर भाग गए? जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। मगर भागना जुर्म नहीं, भगाना जुर्म है। अजी छोड़िए जी, ये आपके कानून में होगा। मोहब्बत के कानून में तो प्यार करने वालों को बीच मझदार में छोड़कर भाग जाना सबसे बड़ा जुर्म है। आप उनको ऐसी सजा दीजिए कि वो जिंदगी भर मेरे आंचल से बंधा रहे। होश में बात कीजिए, ये पुलिस स्टेशन है। मगर हमने कब कहा कि ये प्यार का स्टेशन है? ठीक है ठीक है, ये पेपर लीजिए, आपकी जो भी कंप्लेंट है इस पे लिख दीजिए, हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। मैं दस्तखत कर देती हूँ, मजमून आप लिख लीजिएगा। कोरे कागज पर दस्तखत करने का मतलब जानती हैं आप? यही तो होगा ना, मेरा सब कुछ आप अपने नाम पर लिख लेंगे। लिख लीजिए, वैसे भी तो हमने अपना सब कुछ आप ही के नाम लिख दिया है। मेरे नाम? जी हाँ, आप ही के नाम मेरे गुलफाम।
अपनी जिंदगी। प्यार करने की और कोई जगह नहीं मिली, यही शुरू हो गए। वाह क्या बात है। मैं तो अभी भी कहता हूं सर कि टाइगर के कारोबार पे हाथ मत डालिए, वो बहुत खतरनाक आदमी है। पुलिस और खतरों की बहुत पुरानी दोस्ती है नायक, और खतरों से खेलने वाला ही कहलाता है शक्तिमान। लेकिन सर के बाद इस जगह पर जुआ, गैम्बलिंग या कोई भी दो नंबर का काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और सुनो, अपने बाप से कहना कल सुबह 10 बजे पुलिस स्टेशन आकर अपने बाप के सामने हाजिरी दे दे। ये गया। अम्मा, हमें खुद अपने बाप का पता नहीं, फिर ये नया बाप कहां से आ गया?
बहरहाल हम उस इंस्पेक्टर के बच्चे से मिलेंगे जरूर। क्या बात है साहबजादे, अपनी बहादुरी का नमूना दिखा रहे हो या हमारे नाम की दहशत से डरकर नजरें झुका ली? दहशत तो आपको हो गई है हमारे बुलावे की, जो बारात साथ लेके आए हैं। बिना बारात के तो दूल्हा सजता भी नहीं है बरखुरदार। इस बारात को संभाल के रखिएगा, जनाजा उठाने के काम आएगी। हमारे कान ऐसी गुस्ताखियां सुनने के आदि तो नहीं है, लेकिन तुम बच्चे हो। मैंने कब कहा कि मैं बुजुर्ग हूं? बुजुर्ग तो आप हैं। सरकारी कायदे कानून के मुताबिक उम्र आने पर आदमी को रिटायर हो जाना पड़ता है। मेरी सलाह मानिए, आप भी अपने ये गैर कानूनी धंधे छोड़कर रिटायर हो जाइए और तीर्थ यात्रा पर चले जाइए। तीर्थ यात्रा पर तो हम तुम्हारे खानदान वालों को भेजेंगे, तुम्हारी अस्थियों को बहाने के लिए, समझे? मेरा काम था समझाना, बाकी वक्त बताएगा। यू मे गो नाउ। थैंक यू। बुजुर्गों का कहना है कि जब परिंदों के पर हद से ज्यादा बढ़ जाएं, तो उन्हें काट देना चाहिए। मैं चलता हूं डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स तो मुझे आपको देना चाहिए सर, एक अनजान आदमी को खून दिया और आप ये जानते भी नहीं कि किसका बेटा है। डॉक्टर बेटा है, इंसानियत का बेटा है, उस भगवान का बेटा है जिसने हमें बनाया। खैर ये मेरा कार्ड है, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर दीजिए। नमस्ते। वाह, ऐसे भले लोगों से ही दुनिया टिकी हुई है।
मेरी समझ में नहीं आता, तुम्हें इतना खतरा मोल लेने की क्या जरूरत थी? खतरों से खेलना ही मेरी जिंदगी है। जरा सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? जब तुम्हारा प्यार मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। सेठ जी घर पर हैं? जी अंदर हैं। आओ आओ बेटे, जीते रहो, बैठो। कैसी है तबीयत तुम्हारी? जी आपकी मेहरबानी से ठीक हूं। आपने जो कुछ मेरे लिए किया उसका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं? मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूं। इसमें एहसान की क्या बात है बेटे, वो तो मेरा फर्ज था। जी जी, इंसानियत के नाते हर इंसान को वही करना चाहिए जो मैंने किया। सर फिर भी आपने अपना कीमती खून देकर। खून तो खून होता है बेटे, उसका क्या मोल? तुम्हें जरूरत थी और मैं दे सकता था। तुम्हें देखकर न जाने क्यों मुझे अपनापन सा लगने लगा। खैर छोड़ो, ये बताओ करते क्या हो? सर साइन इलाके का पुलिस इंस्पेक्टर हूं। साइन इलाके? भाई वहां का एसपी तो हमारा बड़ा अजीज दोस्त है, अगर कोई तकलीफ हो तो हमें बताना, हम तुम्हारी सिफारिश कर देंगे। सच्चाई और ईमानदारी को कभी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। वाह बेटे वाह, जिंदगी भर इन्हीं अस्तूलों पर चलते रहना। आपके खून की लाज रखूंगा सर। अच्छा सर अब मैं चलता हूँ, नमस्ते। अपना ख्याल रखना। जी अच्छा। तुम लोगों ने जो मेरे साथ हरकत की है उससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। कह देना अपने बड़े भाई से, जिस दिन तुम्हारे काले कारनामों का सबूत मेरे हाथ लग गया मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अरे चींटियों के काटने से शेर जख्मी नहीं होते छोटे। शेर जख्मी तो नहीं होते लेकिन चींटी कभी कभी हाथी को भारी पड़ जाती है बड़े भैया। इंस्पेक्टर की बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो किसी भी कीमत पर आपको अरेस्ट कर लेगा। हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं साहबजादे, कानून बनाने वालों से कानून तोड़ने वाले ज्यादा चालाक होते हैं। अरे इस टाइगर पर आईजी और कमिश्नर हाथ नहीं डाल सके तो इस मामूली से इंस्पेक्टर की क्या औकात है? नई नई ड्यूटी ज्वाइन की है, गरम खून है, थोड़े दिनों में खुद ही ठंडा हो जाएगा। जी चलो यार पिक्चर देखने चलते। प्रिया आज एक नई पिक्चर लगी। नहीं आज मैं नहीं चलना। तू तो जानती है ना, प्लीज मैं नहीं आ सकती। आज भी नहीं चल सकती। हाय बेबी, पिक्चर मेरे साथ देखोगी? आज के बाद मुझसे बदतमीजी की तो गोली से मार दूंगी, समझे? साले कॉलेज में प्रिया को छेड़ता है, जानता नहीं वो मेरी मंगेतर है, मेरी शादी होने वाली है। अरे जा, शादी तो मेरी होगी उसके साथ। हराम साले कमीने। अरे जा, देख लूंगा तेरे को भी। हिम्मत है सलाम, छोड़ो यार मुझे प्रिया के बारे में बकवास कर रही है। सर रहने दो प्लीज। अला शादी करेगा वो उससे, शादी तो मैं करेगा उसके साथ। अंदर तो बच गया साले, अब निकालता तेरी ताला करे। हां तू फिर साले देखेगा प्रिया की तरफ, देखेगा प्रिया की तरफ। हैं मैं तेरे को बुलाना प्रिया की तरफ। बोल प्रिया की तरफ देखने वाले का। ये क्या कर दिया तूने? खून कर दिया तूने? भाग 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 जा, भाग जा यहाँ से। 50 बार कहा है कि शराब मत पिया करो, किसी की सुनता ही नहीं है।
अच्छा हुआ आप मिल गए, मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा आपको। मुझको ढूंढा? मुझको ढूंढ रहे हो? क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। नहीं, मैं कहां परेशान हूं, कुछ नहीं हुआ। तो कुछ तो फिर ये पसीना, ये घबराहट? पसीना? बेटा इस उम्र में तो पसीना आएगा ही ना। मैं दिन भर गाड़ी चलाता हूँ और क्या है कि कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही आजकल बेटा। अच्छा, लेकिन तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या हालचाल? मैं तो ठीक हूँ पापा। अच्छा हुआ आप मिल गए, आपका एक कर्ज चुकाना है। कर्ज? वो आप भूल गए, उस दिन आप बिना पैसे लिए चले गए थे टैक्सी के। अच्छा, वो उस दिन का? नहीं बेटा नहीं, रहने दो। नहीं नहीं, कमाल है, मैं अपने हिसाब किताब में बिल्कुल क्लियर हूँ। बाबा बाबा कहते हो और हिसाब की बात करते हो, वाह बेटा वाह, खुश हुए हम। काश हिंदुस्तान भर में तुम्हारे जैसा इंस्पेक्टर हो ना, तो हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल जाए। तुम देखना जरूर तरक्की करोगे, एक दिन जरूर तरक्की करोगे। शुक्रिया बाबा। अच्छा बाबा चलता हूँ, भगवान तुम्हारा भला करे। लाश जल्दी ही ठिकाने लगा देनी चाहिए। गाड़ी खुली हुई है, इसमें कोई भी नहीं। क्यों न लाश को इसकी डिक्की में डाल दूं? हाँ, कमाल है, मैं तो खुला छोड़ गई थी। सर, आज पहली बार आपकी कुंडली ने सही काम किया है, जो एंड वक्त पर वो टैक्सी ड्राइवर आ गया, वरना आपको तो फांसी हो ही जाने वाली थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, वो टैक्सी ड्राइवर चाहता तो मुझे पुलिस के हवाले भी कर सकता था। सर लगता है कि उस बुड्ढे का और आपका जरूर पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। हाय विकी। हाय। हाउ आर यू? ओके। पापा से मिलने आए हो? नहीं, हाँ। आओ चलो। आओ ना, पापा अंदर ही हैं। बहुत दिन हो गए हमारी मुलाकात हुए। वैसे कल ही तो मिले थे। लेकिन कल और आज में 24 घंटे का फर्क है ना? 24 घंटे, 1444 मिनट और सेकंड्स मत भूलना। वाह वाह वाह, शिमला का ट्रिप भी क्या ट्रिप रहा, मुझे आज तक याद है, तुम्हें भी याद है? शिमला को मैं कैसे भूल सकता हूँ, वो जिंदगी का पहला और आखिरी थप्पड़ था। भूल जाओ उस बात को, देखो मैं भी भूल गई। वो क्या है, प्यार में नोक झोंक तो होती रहती है ना। प्यार में नोक झोंक तो होती रहती, वरना प्यार में मजा नहीं, इसीलिए लोग कहते हैं लाइफ इज टू एंजॉय। प्रिया, अरे विकी कैसे हो बेटे? अच्छा हूँ अंकल। पढ़ाई कैसे चल रही? बस ठीक। अरे तुम्हारे पापा कहाँ इतने दिनों से? एक्सक्यूज मी पापा, आप लोग बातें कीजिए, मुझे ट्यूशन पर जाना है। हाँ हाँ तुम। अरे प्रिया मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, अभी तो आए हैं, चाय वाय पी के जाइए ना। हाँ हाँ तुम। अरे भाई जल्दी क्या है, तुम चाय पी के जाना, कमाल की बात है। Right.
अरे मेरी रानी कहाँ जा रही हो? अरे दरोगा अच्छा हुआ प्रिया तुम आ गई, मेरी जीप पंचर हो गई है। वैसे मैंने पुलिस स्टेशन फोन कर दिया, वो लोग ठीक करके ले जाएंगे। तुम मुझे घर छोड़ दो। क्या बात है, परेशान क्यों? नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ माँ देखो तो कौन आया है। अरे बेटी तू? नमस्ते। वो क्या है माँ, मेरी जीप रास्ते में खराब हो गई थी, ये वहीं से गुजर रही थी तो सोचा कि मुझे छोड़ भी देगी और इसी बहाने तुमसे मिल भी लेगी। अच्छा किया, आओ बेटी बैठो आओ। घर में सब कैसे हैं बेटी? अच्छे हैं। अरे बेटे तुम्हारे ऑफिस से फोन आया था। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, मुझे कुछ जरूरी पेपर साइन करने हैं। तुम बैठो मैं अभी आया। गाड़ी की चाबी कहाँ है? गाड़ी में। बस यूं गया यूं आया? क्या पियोगी बेटी? कुछ नहीं माँ जी। ऐसे कैसे होगा, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। वैसे भी अजय पुलिस स्टेशन गया है, 5-10 मिनट तो लग ही जाएंगे। हाँ माँ जी, पुलिस स्टेशन में तो टाइम लग ही जाता है। अभी तक ठीक नहीं हुई सर, वो जैक नहीं लग रहा है। अगर आपकी गाड़ी में जैक हो तो। जैक लग गया सर। सर चाबी। जीप ठीक करके पुलिस स्टेशन ले आना। लो अमर आ गया। अरे बेटा कितनी देर लगा दी, कब से परेशान हो रही है? इनकी परेशानी की वजह मैं जानता हूँ माँ जी। हाँ बता दूँ माँ को? जी नहीं। ये जीजी क्या लगा रखा है? वो क्या है माँ, ये तुमसे शर्माती है। कुछ पता चला ये सब कैसे हुआ? नहीं सर कुछ पता नहीं चला। ठीक है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, मैं अमर से प्यार करती हूँ और उससे शादी करने का वादा किया है मैंने। वादा? वादा तो तुम्हारे डैड ने मेरे डैड से भी किया है। वादों का क्या होता है? और फिर मैं जिस चीज को पसंद कर लेता हूँ उससे पाकर ही रहता हूँ। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। मेरा सपना तो उसी वक्त पूरा हो गया था जिस वक्त मैंने शशि की बॉडी के साथ तुम्हारी ये तस्वीर निकाली थी। मेरे डैडी पुलिस एसपी हैं, मैं उनको सब कुछ साफ साफ बता दूंगी।
कानून एसपी तो क्या होम मिनिस्टर तक को नहीं बख्शता, और फिर तुम तो लॉ के स्टूडेंट हो, सबूत के तौर पर इन फोटोग्राफ्स की अहमियत को अच्छी तरह समझती हो। ये क्या है? तुम्हारी की हुई भूल का एक छोटा सा नमूना है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अरे शराब के नशे में तो ऐसी बातें हो ही जाती हैं। लेकिन टाइगर, अगर मैं उससे नहीं मारता तो वो साला मुझे मार देता। मर तो तुम अब भी जाओगे विकी बाबू, जब ये फोटोग्राफ्स पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे। घबराओ नहीं, हम ऐसा करेंगे नहीं। क्या कीमत चाहिए? तुमसे क्या कीमत लेनी है बरखुरदार, ले जाओ इस तस्वीर को। और नेगेटिव, क्या हम पे भरोसा नहीं है? उस साले टाइगर की इतनी हिम्मत, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है मुझे। सर उस टाइगर से आप क्यों परेशान है, असली टाइगर तो आप हैं सर, आप। वैसे बुजुर्गों ने कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। उल्लू के पट्टे, अगर तूने अपनी बकवास बनने की तो सबसे पहली गोली तुझे मारूंगा। एट योर सर्विस सर। नमस्ते अंकल। अरे आओ बेटी आओ, आज कैसे रास्ता भूल गई? कैसे हैं तुम्हारे पापा? अच्छे हैं। अरे बैठो ना, बोलो क्या बात है? अंकल मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम जाओ। जी सर। हाँ कहो क्या बात है। जी वो क्या है कि विकी। क्या किया है विक्की ने? जी हाँ हाँ बताओ क्या किया विक्की ने। मैं बताता हूँ डैड। डैडी प्रिया मुझसे शादी करना चाहती है और आपसे कहते हुए शर्मा रही है। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है भाई, हम आज ही तुम्हारे डैडी से बात कर लेते हैं। अरे प्रिया कम ऑन, Why do you look so sad, darling? Hello, my dear. ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है my dear. हकीकत ये भी है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, और हकीकत ये भी है कि बहुत जल्द हम शादी के बंधन में बनने वाले हैं। और सुनो, हकीकत ये भी है कि बहुत जल्द तुम्हारे अरमानों का जनाजा निकलने वाला है। जनाजा तो तेरा निकलेगा, वो भी बिना अर्थी के। Yeah.
क्या है? आपको एसपी साहब ने बुलाया है। चलो। मॉर्निंग साहब। अमर। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ। आओ। बैठो। नहीं सर, दैट्स ओके सर। बैठो बैठो, डोंट बी सो फॉर्मल नाउ। थैंक यू सर। अमर, मैं तुमसे शशि मर्डर केस के बारे में पूछना चाहता था। सर तहकीकात जारी है, मुझे लगता है हम बहुत जल्द खूनी को पकड़ लेंगे। अच्छा। हाँ प्रिया। हाँ हाँ बेटी, आओ आओ। ये मेरी बेटी प्रिया है और ये हमारे होनहार अफसर हैं अमर। हेलो। सर मैं चलता हूँ। आई होप आई कैन सॉल्व द केस। आई होप सो। थैंक यू सर। कानून एसपी तो क्या होम मिनिस्टर तक को नहीं बख्शता। कानून एसपी तो क्या होम मिनिस्टर तक को नहीं बख्शता। मिनिस्टर तक को नहीं बख्शता। मिनिस्टर कानून एसपी तो क्या होम मिनिस्टर तक को नहीं बख्शता। मिनिस्टर तक को नहीं बख्शता। अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो तुम्हारे गले में फांसी का फंदा होगा। फांसी का फंदा होगा। फांसी का फंदा होगा। फांसी का फंदा। फांसी का फंदा होगा। फांसी का फंदा होगा। फांसी का फंदा होगा। We'll be right back.
मुझे कर ले जरा इंतजार, खोले खोले दिल दूंगी तुझे कर ले जरा इंतजार, आंखों से मिलाऊंगी मैं आ, आंखों में छुपाऊंगी मैं आ, आंखों से मिलाऊंगी मैं आंखों में छुपाऊंगी मैं, ऐसे है क्यों बेनारा, खोले 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 दिल दूंगी तुझे कर ले जरा इंतजार, ओ, ओ, 2 लाख दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग खराब होने वाली ऐसी क्या बात है डैड? 2 लाख रुपए की आपके लिए क्या कीमत है? मेरे लिए 2 करोड़ रुपए की भी कोई कीमत नहीं है, पर अच्छे काम के लिए हो तब। जुआ शराब कैसीनो इन सब में उड़ाने के लिए मेरे पास एक पैसा नहीं है। डैड आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मेरा इस घर पर कोई हक ही नहीं है, आप पर कोई हक नहीं है, आपकी दौलत पर कोई हक नहीं है। की बात करते हो मुझसे? जाओ जाकर अपनी मेहनत से 100 रुपए कमाकर लाओ, तब पूछना हक का मतलब, तब तुम्हें समझाऊंगा हक क्या होता है। हक चले सर 100 रुपए कमाने। मालिक हैं आप, मार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सर काम तो आप सिर्फ यही कर सकते हैं। ओके, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए अभी इसी वक्त। 2 लाख रुपए? 2 लाख रुपए इसी वक्त मैं कहां से ला सकता हूं सर? सेक्रेटरी तुम और पूछते मुझसे कुछ भी करो, चोरी करो। चोरी 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 पता बता दोगे तो आसान हो जाएगा चोरी करना। समझ गया। पिताजी की तिजोरी। अम्मा 2 लाख रुपए की आजकल के जमाने में कीमत ही क्या होती है? उस मामूली से नेगेटिव की कीमत 2 लाख से ज्यादा और क्या हो सकती है? अगर वो नेगेटिव मामूली होता तो उसके 2 लाख तो क्या तुम 2 रुपए भी नहीं देते। बरखुरदार उस नेगेटिव में तुम्हारे किए हुए जुर्म का सबूत है। ये ब्लैकमेल है टाइगर, कितनी कीमत चाहिए तुम्हें उस नेगेटिव की? अम्मा ऐसी भी क्या जल्दी है कीमत चुकाने की बरखुरदार, जब जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे तुमसे, ले लेंगे। हाँ हेलो प्रिया, मैं अमर बोल रहा हूँ, फोन मत काटना प्लीज। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं माँ। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, कोई केस उलझ गया है क्या? शायद मेरी जिंदगी का ही केस उलझ गया है। प्रिया से झगड़ा हो गया है क्या? झगड़ा हुआ होता तो कोई परेशानी नहीं थी, यहाँ तो बिना झगड़े के ही मेरा सब कुछ उजड़ गया। सब कुछ उजड़ गया, क्या बात है? माँ अचानक प्रिया मुझसे इतनी नफरत करने लग गई है, उसे मैंने विक्की के साथ हाथ में हाथ डाले हुए देखा। नहीं बेटा, प्रिया ऐसा नहीं कर सकती, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी। मजबूरी? कैसी मजबूरी हो सकती है? जवान हो आप यहां तो है मगर कैसे? विकी बाबू है? विकी है ना ऊपर बेडरूम में, जाइए। थैंक यू। I love to love you baby, I
love to love you, baby. I love to love you, baby. जब किसी से प्यार करता हूं तो बहुत प्यार करता हूं, जब नफरत करता हूं तो बहुत नफरत करता हूं। ओके, गॉड ब्लेस यू, आउट। गॉड ब्लेस मी आल्सो। बेटी, तुम सुबह सुबह कहां चली गई थी? जानती हो मैं कब से तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूं? जी, मैं अपनी सहेली के घर गई थी। तुम कुछ दिनों से खोई खोई सी लग रही हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी, कुछ भी तो नहीं। देखो बेटी, मैं एक पुलिस अफसर हूं, लोगों के चेहरों को देखकर मैं बहुत कुछ समझ जाता हूं। जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, कोई बोझ है तुम्हारे दिमाग पर, इसकी वजह से तुम इस तरह गुमसुम रहती हो। देखो, मुझसे कुछ मत छुपाओ बेटे, कहीं तुम विकी से तो परेशान नहीं? देखो, अगर तुम्हें विकी पसंद नहीं तो उसे भूल जाओ। मैं तुम्हारी शादी उसी लड़के से करूंगा जिसे तुम दिल से चाहती हो। बेटी, तुम तो मेरी जिंदगी हो, तुम्हें देख देख कर ही तो तुम्हारा ये बाप 19 साल से जिंदा है। मुझसे कुछ मत छुपा बेटी। कुड आई स्पीक टू प्रिया? जी हाँ, मैं प्रिया बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर, अमर का एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत जख्मी हालत में है, नेशनल हॉस्पिटल में। ओह माय गॉड, क्या नाम बताया आपने? कौन सा हॉस्पिटल? डॉक्टर साहब, पुलिस ऑफिसर अमर कहाँ है? अमर रूम नंबर 22 में है। थैंक यू। मुझसे दूर भागने वाली आज मेरी मौत की खबर सुनकर पागलों की तरह मेरे पास दौड़ी क्यों चली आई? मगर वो एक्सीडेंट, तुमसे मिलना बहुत जरूरी था, तुम हर बार टालती रहीं, इसलिए मुझे मजबूरन तुम्हें यहां इस तरह बुलाना पड़ा। प्रिया, हकीकत क्या है? किस हकीकत का जवाब चाहिए तुम्हें? वो हकीकत जो अचानक मुझसे नजर फेर लेना, वो हकीकत जो विक्की के हाथ में हाथ डालकर यूं होटल में आना। हाँ, ये सच है, मैं विकी से शादी करना चाहती हूँ। ये सब झूठ है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम विकी से नफरत करती थी और करती हो, और सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती थी, करती हो और करती रहोगी। हाँ प्रिया,
क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से यह सब अचानक बदल गया? मैं तुम्हारे कोई सवाल का जवाब नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। मैं कुछ नहीं जानती। प्रिया, तुम्हारी एक छोटी सी भूल तुम्हें कहां से कहां तक ले जा सकती है। मुझसे कुछ मत छुपाओ प्रिया, मैं तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर दूंगा। बोलो, तुम्हें मेरी कसम। बोलो प्रिया, प्लीज। इतनी बड़ी कसम दिलाकर मुझे सब कुछ बताने पर मजबूर कर दिया, तो सुनो। उस हादसे के बाद विकी ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। मुझे बचा लो अमर, मुझे बचा लो। प्रिया, सब ठीक हो जाएगा। सर, आपके फॉर्मूला के सामने मेरे सारे फॉर्मूले फ्लॉप हो गए। क्या फंसाया आपने प्रिया को? तुम्हें दारू पी के कहीं भी कुछ भी बकवास करता रहता है। ज्यादा बकबक की तो ये महीने की पगार काट लूंगा। पगार कहाँ देते हो जो काटोगे? कौन है बे? क्या बात है इंस्पेक्टर, ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है? लोगों को ब्लैकमेल करता है इंस्पेक्टर, पछताएगा तू। सर, एसपी साहब ने आपको फौरन बुलाया है। इस तरह एक इज्जतदार आदमी को हवालात में बंद करने की वजह जान सकता हूँ? सर, वो इज्जतदार नहीं, बहुत बदमाश आदमी है, ब्लैकमेलर है। क्या किया है उसने? सर, चुप रहने में ही भलाई है अमर। अगर एसपी साहब को सच्चाई मालूम पड़ गई तो? आखिर कानून तो कानून ही होता है। जवाब दो, क्या किया है उसने? मैं आपकी किसी बात का इस वक्त जवाब नहीं दे सकता सर। अपने कॉलेज की कोई दुश्मनी निकाल रहे हो? नो सर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो अमर, तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा है इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आइंदा ऐसी गलती मत करना। नाउ गो रिलीज हिम। बट सर, दैट्स एन ऑर्डर। सर, मैं डैडी को साफ साफ कह देती हूँ कि विकी बेईमान है, ब्लैकमेलर है। नहीं प्रिया, ऐसी गलती मत करना। कानून आखिर कानून है। जब तक विकी के पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है, तुम्हारे डैडी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक बात जरूर है, शशि का खून विकी नहीं किया है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। हाँ अमर, एक बात है, जिस वक्त मुझे गाड़ी में बॉडी मिली थी उसकी पिछली रात मेरे रेडिएटर में पानी खत्म हो गया था। जब मैं पानी लेने गई थी तो डिक्की खुली थी, जब मैं वापस आई तो डिक्की बंद थी। यानी मेरे आने जाने के बीच में किसी ने डिक्की में बॉडी रख दी होगी। ये सब विकी की चाल है, वो मुझे किसी भी कीमत पर पाना चाहता है। ऐसा हरगिज नहीं होगा। विकी का ये सपना मैं कभी पूरा होने नहीं दूंगा। सारे गम पधनी पिएगी? नहीं। सारे गम पधनी नी नी सा। कौन बोला रे? तुम बोला? ए, तुम बोला के? हम नहीं बोला। सा कौन बोला रे? हम बोला। ए, तुम बोला? हेलो हेलो हेलो। ओजे, गले मिलते यार। ए, मैंने आपको पहले कहीं देखा है? ओल्ड फ्रेंड्स। ओल्ड फ्रेंड्स? वेरी वेरी ओल्ड। आई वेरी ओल्ड फ्रेंड्स। कहाँ मिले थे हम लोग? बार 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 शराब का अड्डा। अब आई गए तो बैठो यार। सिट। सारे गामा पाधानी सा 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 नहीं, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। सॉरी? ओ क्यों? ओ ओ ओ, 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 ओ। भाभी जी ईश। ब्यूटीफुल भाव। नियत मत बिगाड़ो। होता है शराब में जरा ऐसे ही होता है, लेकिन नियत बट ब्यूटीफुल फंटर।
प्राइवेट प्रॉपर्टी। सॉरी। चीयर्स। ये नाक सोचना मत कि मुझे चढ़ गई है। चढ़ गई है? इसको पीना बोलते, तुमने पी किधर है? क्या समझता है मैंने पी है? इसको पीना बोलते हैं तो? अरे शेर की तरह पीते हैं, शेर की तरह, मर्द की तरह, ऐसे। अब पीजी खाता हूँ। अब बोल मैं कौन हूँ? लल्लू। ये मैं लल्लू? अरे मैं शेर हूँ, शेर, मर्द हूँ, मर्द। मर्द तू है तो? अरे मर तो वो तेरा सेठ है ना, विक्की। काहे का सेठ हूँ मैं? पांच छह दिन मेरे साथ ज्यादा रहा ना तो उसका सारा माल हड़प कर लूंगा, भिखारी बना दूंगा उसे। क्या? जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दूंगा मैं उसे। एक बार बताओ, प्राइवेट है, किसी को बता दो मत। विक्की ने शशि का खून किया है। हाँ? और प्रिया को फंसा दिया है। शादी करना चाहता हूँ उससे। प्रिया के साथ शादी करना चाहता हूँ। ये शादी नहीं, बर्बादी होगी, बर्बादी। क्या होगी उसकी? बर्बादी। बर्बाद कर दूंगा उसे मैं। कहना नहीं है किसी से, मैंने कुछ नहीं बोला। वी आर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, ऑल फ्रेंड्स, ऑल फ्रेंड्स। अच्छा, सी यू। एक किधर जाता है? मैं तेरी भाभी के पास, तू मेरी भाभी के पास। चीयर्स, 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 चीयर्स। गुड बाय, गुड बाय। हेलो डार्लिंग। टैक्सी। अरे बेटे तुम। अरे बाबा आप कैसे हो? ठीक हो, तुम कैसे हो? बाबा मुझे घर छोड़ दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, टैक्सी तुम्हारी है, आ जाओ। और बाबा कैसा चल रहा है आपका काम? बस सब ठीक ठाक चल रहा है, तुम बताओ कैसे चल रहा है? बस ठीक है बाबा। विक्की ने शशि का खून किया है और प्रिया को फंसा दिया है, शादी करना चाहता हूँ उससे। क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं। माँ, ये कोई वक्त है घर लौटने का? आज कुछ मत कहना माँ, इतनी कोशिशों के बाद इतनी बड़ी मुश्किल से छुटकारा मिल गया। मुश्किल? कैसी मुश्किल? सब ठीक ठाक तो है ना? ठीक ठाक तो नहीं था माँ, मगर इस कसेट के मिलने से सब ठीक हो जाएगा। ये कसेट नहीं, प्रिया की जिंदगी है। किसी ने प्रिया को अपने जाल में फंसाने के लिए खून का इल्जाम उसके सर डाल दिया था। ये तू क्या कह रहा है बेटा? हाँ माँ, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम खामखा परेशान होती। कल जब मैं ये कसेट अदालत में पेश करूंगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये कैसेट पुलिस स्टेशन पहुंच गई तो मेरे बेटे को फांसी हो सकती है। अगर ये कैसेट पुलिस स्टेशन पहुंच गई तो मेरे बेटे को फांसी हो सकती है। फांसी हो सकती है मेरे बेटे को। फांसी हो सकती है। फांसी हो सकती है। फांसी हो सकती है। मुझे किसी भी कीमत पर ये कैसेट, मुझे ये कैसेट किसी भी कीमत पर हासिल करना होगा। किसी भी कीमत पर हासिल करना होगा। Thank you.
तुम पार्वती, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, ढूंढते ढूंढते थक गया था मैं, टूट चुका था मैं, पर मुझे मुझे यकीन था एक न एक दिन तुम मुझे जरूर मिलोगी, जरूर मिलोगी। वाह, मिले भी तो कैसे, एक चोर की तरह। चोर? मेरी तो किस्मत ही खराब है पार्वती, उस दिन जो कुछ किया था तो औलाद की खातिर, और आज भी जो कुछ कर रहा हूं तो औलाद की खातिर। ये कैसे अगर पुलिस स्टेशन पहुंच गई पार्वती तो हमारे बेटे को फांसी हो सकती है, ये कैसे हमारे बेटे की मौत है पार्वती। और ये कैसे मेरे इस बेटे की जिंदगी है। मगर ये बेटा तुम्हारा नहीं है पार्वती, ये तो सिर्फ राय बहादुर का बेटा है। मैं तो सिर्फ इस बेटे को जानती हूँ जिसकी वजह से मैं 20 साल से जिंदा हूँ। ये कैसेट मुझे दे दो वरना अनर्थ हो जाएगा। आज तक जो होता रहा इससे ज्यादा अनर्थ और क्या होगा। मुझे सेठ जी का पता बता दो ताकि मैं उनकी अमानत उन्हें लौटा दूं। शायद मेरी इस करनी से भगवान मेरे पति के गुनाहों को माफ कर दे। मुझे माफ कर दे पार्वती, मैं तेरा बहुत बड़ा गुनहगार। ये क्या कर रहे हैं आप, उठिए, शायद अमर जाग गया है, आप चाहिए यहां से। अच्छा पार्वती मैं जा रहा हूं, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं पार्वती, सेठ जी को उनकी अमानत जरूर वापस मिलेगी, जरूर वापस मिलेगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। मां, कह दे मां, जो कुछ तूने कहा है वो झूठ है। ये सब सच है बेटा, ये सब सच है। महलों का चिराग है तू, जो आज तक इस गरीब की झोपड़ी में जलकर रोशनी करता रहा। रोशनी तो तू है मां, जिसने तेल की तरह जल जल कर इस दिए को रोशन किया, दिन रात भूखी रही, प्यासी रही, अपना अपना पेट काट काट कर मुझे खिलाती रही, मुझे पढ़ाया लिखाया। मां, मुझे अपनी नजरों से दूर मत करना, वरना तेरा ये बेटा जीते जी मर जाएगा। ऐसा मत कहो बेटे, मेरी उम्र तुझे लग जाए। हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी, हमारा बेटा जिंदा है और तुमने हमें आज तक इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम्हारे बेटे का ऐशो आराम न छिन जाए। आपके किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है मालिक, मैं तो खुद अपनी प्रायश्चित की आंख में जल रहा हूं। हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा हूं कि मरने से पहले एक बार मुझे अपने मालिक से मिलने के लायक बना दे, ताकि देवता समान मालिक से अपने गुनाहों की माफी मांग सकूं। इतना बड़ा गुनाह करने के बाद मुझसे माफी की उम्मीद करते हो? अरे भगवान चाहे तो वो भी तुम्हें माफ नहीं कर पाएगा। आप ठीक कह रहे हो मालिक, सजा तो भगवान मुझे दे ही चुका है। जिस औलाद को मैं होनहार बनाना चाहता था वही खूनी मुजरिम बन गया है। खूनी मुजरिम? किसका खून किया है उसने? खून किया है आपके जज्बातों का, खून किया है आपके बेटे की मोहब्बत का, खून किया है उसने कॉलेज के एक लड़के का। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ मालिक, उसने कॉलेज के एक लड़के का खून करके भोली भाली प्रिया को अपनी खूनी साजिश में फंसा लिया है, ताकि प्रिया अमर को छोड़कर उससे शादी कर ले। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा मालिक, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं आपके बेटे का हक उसे दिलाकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। क्या बकवास कर रहे हो टाइगर? ये बकवास नहीं हकीकत है। तुम राय बहादुर लक्ष्मी नारायण के बेटे नहीं हो, बल्कि उनका असली बेटा इंस्पेक्टर अमर है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ऐसा ही है, इससे पहले कि वो बुड्ढा अपनी जायदाद अमर के नाम कर दे। टाइगर! आ, आ,
सकते ट्रिप। पापा बेटे, मेरे बेटे। पापा ये क्या रो रहे हैं आप? मुझे रोने दे बेटे, रोने दे। बरसों से मैंने आंसू दबा कर रखे हुए थे, बह जाने देने, बह जाने दे। नहीं पापा बेटे, टूट गया था, बिल्कुल अकेला हो गया था बेटे। हाँ बिल्कुल अकेला। देख लक्ष्मी, ये तेरा बेटा है, तेरा अपना खून। अरे आज तेरी मां जिंदा होती ना, तुझे देखकर फूले नहीं समाती। देख लक्ष्मी, कितना होनहार है तेरा बेटा, कितना होनहार है। भगवान, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। भगवान, तूने मेरी झोली खुशियों से भर दी। पापा, पापा विक्की, मुझे मालूम है उसने खून किया है। इस वक्त घर में नहीं है, जैसे ही आएगा मैं उसे कानून के हवाले करूंगा। हाँ बेटे, हाँ मेरे बेटे, मुझे अरेस्ट करवाएगा, मुझे, इसलिए कि आज तेरा असली बेटा मिल गया है और मैं तेरा असली बेटा नहीं हूं। अच्छा हुआ तू मेरा असली बेटा नहीं है। अरे मेरा खून किसी का खून नहीं कर सकता। अरे तू तो हत्यारा है, तूने एक इंसान का खून किया है, बाप के जज्बात का खून किया है। अरे भगवान तुझे ऐसी सजा दे। भगवान जब सजा देगा तब देगा। अगर आज और अभी इसी वक्त तूने इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं किए तो मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा जो आज तक एक बेटे ने अपने बाप को नहीं दी होगी। क्या है ये? ये स्टैम्प पेपर है, इसमें लिखा है कि आप अपने दयालु हाथों से अपनी सारी जायदाद विक्की के नाम कर रहे हैं। लीजिए, लिख दीजिए। ऐसा हरगिज नहीं होगा। ऐसा ही होगा बुड्ढे, नहीं तो। अच्छा हुआ तो खुद ही आ गया। पकड़ से अमर, तूने अपने बाप पर हाथ उठाया? अरे सौतेला ही सही, लेकिन 20 साल से तेरे पापों के बोझ को उठा रहा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए, बांधो इनको। अब अगर जरा सी भी देर की साइन करने में तो तेरी आंखों के सामने तेरे इस लाडले बेटे को गोली मार दूंगा जिसके लिए तू 20 साल से तड़पा है। मैं तो कहता हूं राय साहब, अब साइन कर ही दीजिए। नहीं पापा, कोई उल्टे सीधा पेपर साइन मत करना। अरे जाने दे इस जायदाद को, असली जायदाद तो तू है मेरी। अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। छोटे, इन दोनों को ऐसी मौत देना कि कांधा देने के लिए लोगों को तकलीफ ही ना हो। गुड। ये बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब। 10 मिनट में तुम लोगों की कहानी का खेल खत्म। खेल कब शुरू होता है और कब खत्म ये तो ऊपर वाला ही जानता है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम लोगों का खेल खत्म किए बिना मैं मरूंगा नहीं। जितना बोलना है बोल ले, 10 मिनट के बाद तो बोलने के लायक नहीं रहेगा। चलो एक ही चला। अरे
ये किस्सा तो खत्म हुआ। आज तुमने मेरा साथ देके मुझे जिंदगी भर के लिए खरीद लिया है टाइगर। अरे बेईमान बेईमान का साथ नहीं देगा तो बेईमानी का क्या होगा बरकरदार। बैठो बैठो। अब तक तो उन दोनों बाप बेटों का काम खत्म हो गया होगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब एक छोटा सा काम हमारा भी कर दो। बोलिए बोलिए। इन कागजात पे दस्तखत कर दो। क्या लिखा है इनमें? हमारी बेईमानी का छोटा सा मुआवजा। इसमें लिखा है कि अगर तुम 50 लाख रुपए हमें एक महीने में चुका दोगे तो हम तुम्हें तुम्हारी जायदाद के कागजात और तुम्हारे नेगेटिव यानी तुम्हारी मौत का सामान तुम्हें वापस कर देंगे। ये चीटिंग है, धोखाधड़ी है ये। ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती बरखुरदार। खामोशी से दस्तखत कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। पर इतनी बड़ी रकम? हमने भी तो तुम्हें इतनी बड़ी रकम दिलवाई है। अबे वो तो मेरी अपनी थी। अरे हम भी तो तुम्हारे अपने हैं। लो दस्तखत कर दो। लो लो, सोच क्या रहे हो? शाबाश। अरे लो भाई लो, दस्तखत कर दो। चुपचाप जायदाद के कागजात और वो नेगेटिव मेरे हवाले कर दे तो गया तुम हमें गोली मारोगे। जब मैं दौलत के लिए अपने उस बाप को मार सकता हूँ जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया तो तू क्या चीज़ है भे? हम इन छोटे मोटे खिलौनों से नहीं डरते बरखुरदार। हमें मालूम था कि तुम्हारा गरम खून तुमसे ऐसी बेवकूफी जरूर करवाएगा। उल्लू के पट्टे, ये पिस्तौल खाली है। हाँ इससे पहले कि हमारे भेड़िये तुम्हें नोच डालें, इन कागजात पर दस्तखत कर दो। फिर हम तुम्हें एक ऐसा खूबसूरत तोहफा देंगे कि जिसके लिए तुम जिंदगी भर तरसते रहे हो। इससे पहले कि इसका बाप एसपी तुम तक पहुंचे बेहतर है कि इसे फौरन अपना बना लो। शादी की पूरी तैयारियां ऊपर हैं। जाओ। गॉड ब्लेस यू माय सन। चल। We'll be right back.
मेरी शादी तो आज हो गई रहेगी। कोई नहीं। विकी, मशीन गन को फेंक दे विकी, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तुम मुझे नहीं मार सकते। कोई बाप अपनी औलाद को नहीं मारता। देख विकी, मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं, सुधर जा। कर दे अपने आप को कानून के हवाले। फेंक दे इस गन को। तुमने खुद ही तो मुझे कानून से बचाया था, फिर तुम मुझे कैसे मार सकते हो? नहीं, मैं कहता हूं फेंक दे इसे, वरना मैं सचमुच गोली मार दूंगा। हट जाओ। मुझे गोली चलाने पर मजबूर मत कर विके। मैं कहता हूं जाओ विके। ये क्या किया तुमने दिलेर? अपने बेटे को अपने हाथ से मार डाला। सेठ जी, बरसों पुराना कर्ज चुका दिया है मैंने, अपनी करनी का प्रायश्चित किया है मैंने। बाबा, चलो ने। जी तरफ बेटे। मुझे विक्की की मौत का बेहद अफसोस है। बाबा, मैं भी तो आप ही का बेटा हूं।